हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कल मैंने इस संबंध में आपको जो संवाद आया था 80, वो आपको वीडियो दी थी 28/12/2020 और आज है 29/12/2020। तो आज संवाद नंबर 81 है। कल 80 भी दिया था, 79 भी दिया था, दोनों संवाद दिए थे आपको। तो उसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो आंसर की आई थी, बहुत से क्वेश्चन गलत थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मतलब कि बहुत से क्वेश्चन गलत थे, लगभग 40 से 50 के आसपास। तो जैसे जो पर्यावरण दिवस होता है आज तक, उसको भी गलत दिया हुआ था। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसका उत्तर जो था आयोग की तरफ से 5 जुलाई। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस तरह के देखे मैंने, तो इनमें सब गलत दिया हुआ था। तो ऑनलाइन आपत्ति के लिए तकनीकी कठिनाई के कारण संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए जाने के संबंध में, तो इसी संबंध में आज का संवाद आया हुआ है। जिन लोगों ने कल से जो अपने गलत उत्तर करके अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, तो अब उनको फिर से अपनी आपत्तियां दर्ज करानी होगी। तो यही आज के संवाद में है। आयोग द्वारा 28/12/2020 को सहायक कृषि अधिकारी, अवर अभियंता, सिविल तथा पशुधन प्रसार अधिकारी व अन्य अभ्यर्थी हेतु उत्तर कुंजी प्रकाशित कर आपत्तियों का अवसर दिया गया था। तकनीकी कठिनाइयों के कारण सहायक कृषि अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी वो अन्य की उत्तर कुंजी आंसर की में कुछ त्रुटियां हो गई थी, जिसे ठीक कर संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अब आपको जैसे आपने कल तक किया था वैसे आपको फिर से करना है, और वो हटा दिया गया था और फिर से कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 28/12/2020 से अब तक आपत्तियाँ प्रेषित कर दी थी, कृपया पुनः अपनी आपत्तियाँ प्रेषित करें तथा नए अभ्यर्थी भी अब अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है सचिव संतोष बडोनी, ये आज ही का है, 29/12/2020 का। तो ये था दोस्तों आज की जानकारी आपके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं की आपत्ति, अगर लगता है कि क्वेश्चन गलत हैं, तो अब अपने आप आंसर की चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।